जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकुश वर्मन और आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो आप लोग सभी को दुर्गा पूजा बहुत ही जल्दी आ रही है, तो इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आज मैं इसी रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करने वाला हूं दुर्गा माता को। तो इस रेफरेंस फोटो को मैं ग्रिड में कन्वर्ट करके ही ड्रॉ करता हूँ। अगर कोई नया व्यूअर्स है इस वीडियो में तो मैं उनके लिए फिर से बताऊँगा, अगर बिगिनर्स है वो तो उसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है ग्रिड फॉर ड्रॉइंग। इस तरह की ओपन करने के बाद इसे आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगी। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा बड़ा मोबाइल है तो आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन है यहाँ पर थोड़ा अलग दिख सकता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना है ओपन पे क्लिक, उसके बाद अपने इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस इमेज को आप ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं इस इमेज को ड्रॉ करूँगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस ग्रिड पे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ आप किस साइज में ड्रॉ करेंगे रेफरेंस फोटो को। तो मैं सिंपली तो A4 साइज में ही ड्रॉ करूँगा इस बार। तो A4 साइज यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लेना है आपको, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर राइट साइड पर क्लिक करना है, पेज साइज को क्रॉप कर लेना है आपको। जितना आप यहाँ पर आपको जितना क्रॉप करेंगे उतना ही पार्ट आपको ड्रॉ करने को मिलेगी। आप चाहे तो इसे अगर पूरा ही ड्रॉ करना चाहते हैं तो बिना क्रॉप के ऑप्शन में कितना करके चाहे आप रख सकते हैं, ग्रिड को इस तरह से भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं इस साइड से कर दूंगा, ये हो गया। आपको यहाँ पर ऊपर क्रॉप पे क्लिक कर लेना है, क्रॉप कर दिया हमने। तो इसके बाद आपको हर यहाँ पर जो ग्रिड्स हैं, तो ग्रिड का हर एक बॉक्स का डिस्टेंस आप कितना रख के ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं स्केल ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ तो 1 इंच के करके ही रख के ड्रॉ करता हूँ। इस बार मैं 1 इंच करके ही रख के ही ड्रॉ करूँगा। तो आप चाहे तो और थोड़ा छोटा करके ड्रॉ कर सकते हैं। 1 इंच करके मैं इसे पहले नाप लेता हूँ। एक बॉक्स अगर आप नाप लेंगे तो हर एक बॉक्स अपने आप ही सेम साइज में हो जाएगा। हमने दोस्तों 1 इंच करके हर एक बॉक्स को एक बार में ही नाप लिया है। तो इसके बाद आपको ऊपर लॉक पे क्लिक कर देना है। अब आप दोस्तों इसे अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करते ही ब्लैक एंड व्हाइट रेफरेंस फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे अगर आप कलरिंग ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते ही फिर से कलरिंग हो गया। तो अब हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो ड्रॉ करने से पहले मैं अपने ड्रॉइंग कॉपी में भी ग्रिड बना लूँगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाए ग्रिड ड्रॉइंग कॉपी में प्रॉपरली, वो भी आप लोगों को इसे दिखा दूँगा इस वीडियो में। और इस रेफरेंस फोटो का लिंक और इस जो मैं आउटलाइन ड्रॉ करूँगा उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर मैं आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए ग्रिड बनाऊंगा 2B पेंसिल से, और आउटलाइन को ड्रॉ करूंगा 2B और 4B, 2B और 4B मिक्स करके। यहाँ पर दोस्तों अब हम ग्रिड बनाने वाले हैं अपने ड्रॉइंग कॉपी में। ग्रिड बनाने से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर मैंने 1 इंच रखते ही ग्रिड का बॉक्स हर एक बॉक्स का डिस्टेंस रखा है। यहाँ पर मैं 1 इंच करके यहाँ पर पहले डॉट डॉट देखे जाऊँगा, उसके बाद पैरेलल बाय पैरेलल इस तरह से लाइन से खींच दूंगा, तो ये जो है ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने दोस्तों यहाँ इस साइड से नापा है मैंने स्केल से, तो यहाँ पर भी इसी साइड से ही नापना है। हमने दोस्तों चारों तरफ डॉट डॉट दे दिया 1 इंच क्लिप दे के। तो अब हम इस तरफ के डॉट से इस तरफ के डॉट को जोड़ देंगे और इस तरफ से डॉट को इस तरफ से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम पैरेलल बाय पैरेलल ड्रॉ करके इसका ग्रिड ड्रॉ कर देंगे। तो आप देखते रहिए। हमने ग्रिड बना लिया, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम दोस्तों इसके साइड साइड में सीरियल बाय सीरियल नंबर्स दे देंगे 1, 2, 3 करके, जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से सीरियल बाय नंबर दे देना है ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो कौन सा पार्ट कहाँ पर है। ये हो गया दोस्तों। अब हम दोस्तों रेफरेंस फोटो के कौन से पार्ट से ड्रॉइंग का आउटलाइन स्टार्ट करेंगे तो वो देखना है। तो मैं इस रेफरेंस फोटो के इस आँखों के पार्ट से इसका आउटलाइन स्टार्ट करूँगा यहाँ पर। ये पार्ट जो है वो हमें ग्रिड में देखना है कि कौन से बॉक्स के भीतर से ये पार्ट गया है। तो ये आपको ऊपर से देखना है, ये किधर से है 5 नंबर 5 4, 5 4 वाले दो लाइन के बीच में से आया है। साइड से भी देखना है कि ये जो बीच का लाइन है ये कौन से नंबर पे है, 6 नंबर। इसी तरह आपको यहाँ पर भी देखना है, तो इधर आपको देखना है ऊपर से 4 5, और इधर से आया था 6 4 5, और ये जो बीच वाला लाइन है तो वो ये है। इस पार्ट में जो है हमें इस रेफरेंस फोटो का आंखों का आउटलाइन ड्रॉ करना है, और मैं कैसे करता हूँ आप लोग देखते रहिए। इसी तरह से आपको हर एक पार्ट को ऑब्जर्व करना है और ड्रॉ करते जाना है इसका आउटलाइन।